दूसरा जो हिंदुस्तान की तरक्की आज वजीर आजम उन्होंने डाली है और उसके बारे में उसको जितना भी कहेंगे बहुत कम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की आइन के बारे में जो आज हमारे सामने है और ख़ासकर जो सिकुलर बुनियाद डाली है हमारे मुल्क की, वो काबिल सताइश है और रहती दुनिया तक मौजूद रहेगी। जो काफ़ी हद तक पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के रहने वाले थे और हमारा उनके साथ, उनके ख़ानदान के साथ गहरा रिश्ता है और जो जम्मू कश्मीर का के लोग हैं वो चाहते हैं नेहरू ख़ानदान को, और यही वजह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कश्मीर के लोग और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोग उस ख़ानदान को मानते हैं, चाहे वो 1970 हो या यहाँ के हालात हो। देखिए, उनका काम है काला, वो अपोजिशन में है और जो मैंने कह दिया है, जो सेक्युलर और आइन जो दे दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पहले प्रधानमंत्री ने, वो हमेशा राजी दुनिया तक याद रहेगा और भारत के लिए बहुत ही अहम है। और सगी मेल की तरह जो भारत है इस वक्त मुल्क दूसरे बहुत तरक्की की है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की और उनकी खानदान की। थैंक यू सर। ये पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, उनको इस पे बयान देने की ज़रूरत है और पॉलिसी मैटर्स पे हमारी पार्टी का जो डिसिप्लिन है, हम जब तक ना डिस्कशन करें हम ऐसा कोई बयान देते नहीं हैं। वाटर रिसोर्स जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर के ही रहेंगे, उसके लिए जो भी बात होगी वो इंसाफ की बुनियाद पे होती है। लेकिन कांग्रेस इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी तय करती है वो प्रेसिडेंट मेरी दियरा आवर व्यूज़ आर नो, इसमें क्या दोबारा कहने की ज़रूरत। जैसे आपने कहा कि स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, कुछ है आपके ज़हन में सर? क्यों नहीं होगा, जहां स्टेट की इंटरेस्ट का और कंट्री की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का मामला है या इक्वल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की बात है, तो ये इतनी बड़ी जमात है तो डू यू थिंक दैट दे विल बी नॉट कंसर्न? वी आर राइटली कंसर्न, लेकिन मोडस ऑपरेंडे हर एक का अलग अलग है। यहाँ जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हो ये सिचुएशन यहाँ की थोड़ी सी जिटरी रहती है, अप डाउन होता है, ये माहौल भी नहीं रहेगा। दिस इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू से वो कैसे निपटेंगे। सर, एज वी हैव सीन दैट फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स दैट सिचुएशन वाज वेरी काम, नाउ द सिचुएशन हैज टोटली अगेन बर्निंग एंड बॉइलिंग आफ्टर दिस कमिंग गवर्नमेंट। मैंने कहा गवर्नमेंट इज सीज्ड विद द इशू, ये एक सीरियस इशू है, अप डाउन यहाँ होता ही होता है, दिस इज सेंट्रल सब्जेक्ट। और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में भी कह दिया कि यूनियन गवर्नमेंट को हम कॉपरेट करेंगे टू रिस्टोर पीस विच अलोन कैन फैसिलिटेट प्रोग्रेस। इस सुप्रीम कोर्ट पर बात आएगी नहीं, खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मेरे ही उस विषय पर जवाब देते हुए कहा कि ये एक बहुत ही नाजुक मसला है, इसमें पूरे यूथ का भविष्य शामिल है, ही शोड हिज कंसर्न, और वो शायद यूनियन गवर्नमेंट के साथ बैठ के इस मसले को हल कराएंगे। देयर विल बी ए लिबरल एटीट्यूड फॉर कैरियर मेकिंग एंड जो भी यहाँ हालात रहे हैं उस पर्सपेक्टिव में देख के ही अगर नौजवान को अपना भविष्य संवारने के लिए और रियासत में उसको लीड रोल देने के लिए बात होगी तो उनके साथ इंसाफ किया जाए। मैंने कहा कांग्रेस इज द होप, नेहरू वॉज आर्किटेक्ट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस इज द होप, वेदर इट इज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स आर अवर लोकल पॉलिटिक्स, कांग्रेस इज द होप एंड दिस एन एक्नॉलेज्ड फैक्ट एंड द बेस्ट ट्रिब्यूट टू नेहरू इज दैट पीपल एक्नॉलेज दैट कांग्रेस इज नेसेसरी। देखो कश्मीर का जो इतिहास है वो दैट्स नोन वर्ल्ड ओवर, हम बिरादराना माहौल के हामी हैं, हम यकसानियत के यगानगत के हामी हैं और वही हमारा इतिहास है, वो हमने हर क्रिटिकल सिचुएशन में, प्रोवोकेटिव सिचुएशन में साबित करके दिखाया है, आगे भी साबित करें। आई विल से टू ऑनर नेहरू एंड हिज विजन, आई विल से दैट पीपल फॉलो कांग्रेस, मेक इट फर्दर स्ट्रॉन्ग, पर्टिकुलरली इन जम्मू एंड कश्मीर। We
need national support, and that can be made possible only through Congress. We too should strengthen Congress in Jammu and Kashmir.